हे गाइस, दिस इज पैट बैकर। क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है? क्या उसमें बहुत सारी साउंड आती है, जैसे डीटीसी बस में आती है, या वो रबिंग कर रही है, या आपने गलती से उसमें ऑयल डाल दिया है? देन स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ इस वाली वीडियो में आपको मैं डिस्क ब्रेक रिपेयर करना सिखाऊंगा। By the way, if you haven't subscribed to this channel, go subscribe kar lo because I come up with such stuff every week. First of all, let's talk about ki disc brake kharab kyun hoti hai. Ya to aap usme galti se oil dal dete hain, ya suspension ka oil leak hoke disc brake mein bhi ja sakta hai, ya fir aap usko bahut zyada harsh braking karte hain. Agar aapki low quality ki disc brakes hain to wo harsh braking mein kharab ho jati hain and unko aapko fir se repair karna padta hai. There are two ways ki aap isko repair kar sakte hain. Ek temporary way hai and ek permanent way hai. मैं सबसे पहले टेम्परेरी वे बताऊंगा, फिर परमानेंट वे बताऊंगा एंड लास्ट में डिस्क की अलाइनमेंट एंड सेटिंग करना सिखाऊंगा। अब टेम्परेरी वेज में भी तीन वेज हैं। फर्स्ट टेम्परेरी वे में ये होता है कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी डर्ट होती है, मड होती है, जो गीली मड होती है, आप इस डिस्क के ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, देन आप इसको रोटेट कर सकते हैं एंड ब्रेक मार सकते हैं। जो डर्ट होगी वो सारा जो इसमें ऑयल है डिस्क में वो उसको रिमूव कर देगी एंड आपकी ब्रेक बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगी। जो लेफ्ट ओवर डर्ट है आप उस पर पानी डाल सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल डिस्क ठीक हो जाएगी। ये टेम्परेरी वे वन था। सेकंड टेम्परेरी वे इज दिस अल्कोहल स्वैब। आप इसको खोल सकते हैं, ये मार्केट में 2 रुपीज़ के आसपास आ जाता है, जब वो किसी भी फार्मेसी में आराम से मिल जाएगा। तो आप इसको ओपन अप कर सकते हैं एंड अपने डिस्क ब्रेक को यहाँ से क्लीन कर सकते हैं ऐसे करके। ये पूरे डिस्क ब्रेक आप क्लीन कर दीजिए, जब फिर आप ब्रेकिंग यूज़ करेंगे तो वो ब्रेक थोड़ी सी पहले से इम्प्रूव होगी। द थर्ड टेम्परेरी वे इज दिस बॉटल। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने शैम्पू लिया है एंड उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया है, तो एक सोपी सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें आप डिश वॉशिंग लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, जेंटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वॉशिंग चीज़ यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर आपको क्या करना है, आपको डिस्क ब्रेक के ऊपर ऐसे ऐसे कर देना है, स्पेशली यहाँ पर एंड यहाँ पर पूरे डिस्क पे आपको दोनों साइड से ऐसे स्प्रे कर देना है। फिर आपको साइकिल लेनी है, इसको थोड़ा सा घुमाना है एंड फिर ब्रेक मार देनी है, फिर आपको वापस ऐसे करना है, फिर ब्रेक ऐसे 2-3 बार कर दीजिए, फिर वापस ले लीजिए अपना सोप सॉल्यूशन, इसमें वापस सोप डालेंगे, फिर ऐसे करके हम ब्रेक मार देंगे। आप देखेंगे जो आवाज़ होगी वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो डिस्क ब्रेक है वो इससे क्लीन हो जाती है। जो सोपी सॉल्यूशन है वो आपका ऑयल रिमूव कर देता है एंड डिस्क को भी क्लीन रखता है, लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज है जो कि मैंने अभी तक फेस नहीं करी है। इनफैक्ट में कई बार मैंने ये चीज़ें यूज़ करी हैं क्लीन करने के लिए। जो डिसएडवांटेज है आप उसको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप एक्सल के आसपास इसको यूज़ करेंगे तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो सारा निकल जाएगा एंड फिर आपके बेयरिंग जो हैं वो ड्राई हो सकते हैं। आप रीलूप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। इससे आपकी जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो डिस्क पैड्स होते हैं वो हीटअप होकर ख़राब होते हैं, आप एक्सेसिव ब्रेकिंग करते हैं तो वो थोड़े ग्लेज हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपके ऑयल बहुत ज़्यादा होता है डिस्क ब्रेक के अंदर एंड आपको उसको पूरी तरह क्लीन करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं सेकंड वे आपको बताता हूँ जो कि परमानेंट वे है। हम आते हैं अब थोड़े परमानेंट सॉल्यूशन पे। आप ये देखेंगे ये डिस्क की पिन्स हैं, आपको ब्रेक पैड को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम इसको प्लास्टिक करेंगे यहाँ से, सीधा जो ब्रेक की पिन है उसको प्लास्टिक निकाल लेंगे एंड ये बाहर आ चुकी है। फिर आपको ये लेनी है 5mm की एलन की एंड इस डिस्क ब्रेक को हम खोल लेंगे। आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं एंड यहाँ से भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ से इसलिए खोलता हूँ ताकि इसके सेटिंग में इशू ना आए, इवन तो वीडियो के लास्ट में आपको सेटिंग करना भी सिखाऊंगा। डिस्क कैलिपर को हमने निकाल लिया बाहर एंड अब इसको अंदर प्रेस ऐसे करेंगे तो डिस्क पैड आपके बाहर आ जाएंगे। ये 2 डिस्क पैड्स हैं, इसमें से मैं एक पे ही एक्सपेरिमेंट करूँगा। ये जो डिस्क पैड है अगर ये शाइन कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये ग्लेज्ड आउट हो चुका है एंड फिर आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं वही सोप सॉल्यूशन एंड इसे स्प्रे कर देते हैं। पेपर टॉल लेके हम इसको क्लीन करेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी होता है। अब मेन पार्ट आता है, आपको यूज़ करना है ये वाला सैंड पेपर। आपको थोड़ा सा इसको क्लीन आउट करना है ऐसे करके, जो सारी इसकी सरफेस है उसको थोड़ा सा स्क्रेप करना है, इससे वापस रफ़ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है।
कई लोग पूछेंगे सैंड पेपर कौन सा लेना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स आती है, तो आप 100 से लेकर 400 के बीच में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 400 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फाइन है, तो ऐसे इसको कर लेंगे हम क्लीन, फिर वापस से सोप सॉल्यूशन लेंगे, साफ कर लिया, पेपर डॉल लेके इसको वापस क्लीन करेंगे। इससे क्या होगा, सारे जो उसका सोप वो है ऑयल वो भी निकल जाएगा एंड ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब देखेंगे ये कितना स्मूथ है एंड ये नॉन ट्रीटेड वाला थोड़ा सा शाइन मार रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ कि अलाइनमेंट कैसे करी जाए। अलाइनमेंट करने के लिए आपको ये वाले नट को है लूज़ करना होता है। अब ये वाला भी लूज़ कर देंगे। चलो अभी इसको लूज़ कर दिया, आप देखेंगे ये थोड़ा सा ढीला हो गया है। ऊपर आप जाइए, जो लीवर है उसको कर दीजिए प्रेस। प्रेस करने के बाद ये अपना फर्म हो जाएगा। फिर आपको ये लेना है एलन की एंड इसको वापस स्लाइड कर देना है। रबिंग हो रही है कि नहीं? बिल्कुल भी रबिंग नहीं हो रही है एंड ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है डिस्प्ले का आपकी। एक और टेक्निक है जो कि मैं कहता हूँ कार्ड टेक्निक। हम इसको वापस से लूज़ कर देंगे। हम लेंगे ये दो कार्ड्स, इसको कर देंगे हम डिस्क के अंदर इंसर्ट, डिस्क एंड पैड के बीच में इंसर्ट। ये कार्ड है ये इनको स्पेस आउट कर देते हैं इवनली, फिर इनको हम टाइट कर देंगे जैसे अपने कार्ड्स हटाएंगे तो ये बिल्कुल इवनली स्पेस हो जाएगा। सी एंड ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह काम करती है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टेक्निक। आपने ये देखा होगा ये मैं हाइड्रोलिक डिस्प्ले की यूज़ कर रहा हूँ, इसमें तीनों टेक्निक आराम से काम कर जाती है। लेकिन अगर मैकेनिकल डिस्प्ले हो उसमें जो ब्रेक दबाने वाली टेक्निक थी वो इजीली काम नहीं करती है, कई बार अलाइनमेंट इशू आते हैं, आपको आई बॉल करके अलाइन करना पड़ता है। तो मैं एक और टेक्निक आपको बता देता हूँ जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक वाले बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो मेरी खुद की टेक्निक है। इसके लिए निकालूंगा मैं डिस्क ब्रेक वाली साइकिल। जीरो टेक्निक है ये, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक बहुत अच्छी तरह काम करती है। सेम हम क्या करेंगे, एलन के बोल्स हैं हम करेंगे लूज। हमें करना है ये फिंगर लेनी है एंड इसको अंदर से यहाँ से प्रेस करके रोटर के अगेंस्ट, जैसे ये फिंगर है आपकी, इसको प्रेस करके रखना है रोटर के अगेंस्ट ताकि ये रोटर से चिपक जाए। इसको करूँगा वापस से टाइट। अगर मैं इस टायर को अब घुमा के देखूँगा तो ये रबिंग करेगा। नाउ द ट्रिकी पार्ट, ये बैक साइड है डिस्क की, आपको ये लेनी है एलन की, इस वाले बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ कर देना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जो ये रबिंग होगी बिल्कुल बंद हो जाएगी। हम अगर अब डिस्क ब्रेक को करेंगे यहाँ से घुमाएंगे तो बिल्कुल भी रबिंग नहीं है एंड ये वाली टेक्निक बहुत अच्छी तरह काम करती है। वेल आई होप कि मैंने आपको डिस्क ब्रेक रिपेयर करना सिखा दिया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं एंड फ्यूचर में आपको मैं उनका आंसर कर सकता हूँ। इट्स टाइम फॉर मी कि मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में से थोड़े से क्वेश्चन पिक करूँ एंड उनका इस वाली वीडियो में आंसर करूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन क्यूब लिएंडर, भाई 500 रुपीज का नोट तो बैंड है। वेल ही इज टॉकिंग अबाउट जो मैंने पुरानी वाली वीडियो में 500 रुपीज का उनका नोट दिया था। 500 रुपीज़ का नोट जो पुराने वाला है वो बैंड है, वो नए वाला है वो बैंड नहीं है, मैंने नए वाला नोट उनको दिया था। द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम दिए जाय वाला, व्हाई यू डू नॉट राइड जैगुआर फैट बाइक। वेल दिए मेरे पास काफ़ी सारी बाइक्स हैं, मैं सारी बाइक राइड करता हूँ, जैगुआर ये खड़ी है मैं कई बार इसको राइड करता हूँ, लेकिन मोस्टली ये अंदर रहती है जैसे दूसरी बाइक्स रहती है। वेल एक और चीज़ बताना चाहता था कि मेरे पास और बाइक्स भी आने वाली है। एक और ऐसी बाइक है जिसका मैंने स्लॉट खाली रखा हुआ है जो कि अंदर रखी हुई है, बिकॉज मैं उसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन रिव्यू के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वो जो बाइक है वो अंडर 10,000 रुपीज है, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज उसका रिव्यू फ्यूचर में आने वाला है। द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम आकाश शर्मा, भाई गौरवजोन वर्सेज टू ब्रदर्स। वेल आई गेस इसका आंसर मैं आराम से टेबल चेयर में बैठ के आपको आंसर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आंसर होने वाला है, काफ़ी सीरियस टॉक है। वेल ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। आकाश शर्मा पूछते हैं भाई गौरव जोन वर्सेस ट्रू ब्रदर में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, प्लीज़ बताओ। वेल आकाश ये बहुत ज़्यादा सैड रियलिटी है यूट्यूब की कि आपको ऐसे क्लैशेस दिखते हैं, ऐसे झगड़े दिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। आपको लेने चाहिए ये वाले पॉपकॉर्न एंड ये कोक एंड वीडियोज़ देखनी चाहिए। अब पॉपकॉर्न बनाए हैं तो इसको खा तो लूँ पूरी तरह। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज गुड डू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये वाली वीडियो देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू ईट पॉपकॉर्न्स। दिस इज फैट बैग अवे होप साइनिंग ऑफ।